हैदराबाद से 85 चल रहा हूँ। आपको जी जो इसका काम है ये अपने काम का ऐसा माहिर है कि इतने कम डीजल लेने वाला कोई ट्रैक्टर मैं आज तक नहीं चला। आपको बता दूँ साथ का ही पेंट है, बिल्कुल कोई कहीं चाबी लगी हुई नहीं। ये देखो मैंने भी पहली बार ही रखा है। सारे इंडिकेटर होते हैं, लाइट वगैरह, मिरर सब बढ़िया ओरिजिनल है और चाल नहीं है इंजन में बिल्कुल भी। बहुत कोशिश करने के बाद ये ट्रैक्टर मिला था। अच्छा, जो मालिक ने रेट कहा था मैं उससे 1 रुपया भी कम नहीं करा था। गया जो भी रेट कहा उसी रेट पर ले आए। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूँ जो अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मास्टर है। किसान भाइयों आप देख रहे होंगे मेरे पीछे टाइप 25 DI ट्रैक्टर है और बिल्कुल नई कंडीशन में है। ये किसान के पास था, गांव जनरेटर के है। किसान भाइयों आइए मैं मिलवाता हूँ आपको। अच्छा राम राम जी। क्या नाम है अंकल जी? संजय पवार। गांव कौन सा जी? जंदेड़ा समस्तपुर। अच्छा मैं तो था जी ट्रैक्टर मैंने जैसे आपका है मॉडल बताओ। अच्छा ये 6 मॉडल है जी। 2006 है। मैंने 2004 तक के ट्रैक्टर देखे हुए थे टैफी 25, शायद उसके बाद ये आई नहीं नो सुना मैंने, लेकिन 2006 तो ये। किसान भाइयों आपको बता दूँ ऐसा मॉडल ये 2006 मॉडल मैंने अभी तक देखा नहीं था ट्रैक्टर, आज देखा कि संजय पवार जी के पास था ये। अच्छा कब लिया ये आपने बताओ? जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल यानी कि 2019 में लिया आपने, 2 साल आपके पास। कितने का लाए थे आप? 2,50,000 रुपये का लाए थे जी। 2.5 लाख का लाए थे आप? अच्छे बात करते हैं। चारों टायर कराए जी। जी चारों टायर और जो पिछले सर्विस है तेल की ऑयल की जी वो कराए थे। सर्विस वगैरह यानी के इंजन नहीं छेड़ा, बाकी टायर चेंज करे आपने इसके, आगे बम्पर फ्रंट एक्सल कराया जी। अच्छा जी बताओ इससे अलग कोई ट्रैक्टर है आपके पास संजय जी? हाँ जी महिंद्रा 2585 है जी। 585। अच्छा ये कितना काम करे और वो कितना? देखो जी जो इसका काम है ये अपने काम में ऐसा माहिर है कि इससे कम डीजल लेने वाला कोई ट्रैक्टर मैं आज तक नहीं चलाया। आपने 25 साल हो गए मैं भी ट्रैक्टर चला रहा हूँ। इससे कम एवरेज का ट्रैक्टर मुझे नहीं कोई भी अच्छा लगा। मैं बहुत कोशिश करने के बाद ये ट्रैक्टर मिला था। अच्छा, जो मालिक ने रेट कहा था मैं उससे 1 रुपया भी कम नहीं करा था। गया जो भी रेट कहा उसी रेट पर ले आए थे। और इसके बहुत से लोगों ने रिक्वायरमेंट रखी थी आप इसे बेच रहे हैं ना? बेचते बहुत महंगे। मैं अभी तभी देख पाया, मगर एक बार इनसे पूछ लो ट्रैक्टर बेच रहेगा? अगर बेच रहे तो सबसे पहला काम मैं ही हूँ इसका। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई साहब विचार नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, चलाओ टिकाऊ चीज़ है। और अब तो टायर गिरवा दिए इसमें, टायर भी है, सारे काम ओके हैं, फ्रंट एक्सल भी हो रहा। अब तो 10 साल आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं मेरे साथ। अच्छा है जी, सारे छोटे काम करने वाला बहुत सस्ता कम एवरेज का ट्रैक्टर है। भाइयों जैसे उन्होंने बताया इससे कम एवरेज का ट्रैक्टर नहीं है और पानी पे अभी लग रहा है, इससे पूछेंगे पानी पे क्या एवरेज देगा। 2006 मॉडल है, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, कहीं आप देख सकते पूरा साफ कहीं देखो पूरा साफ है। इंजन आज तक चाबी नहीं लगे इंजन में और 2.5 लाख रुपये इसके मांगे थे, उन पैसे लाए थे, पूरे पैसे दे गए, ये खरीद लाए थे। और टायर में 12 के हैं, मैं ठीक कर सकता हूँ मेरे पास पूरा सिस्टम चला रखा है। ये पंखा है 4 इंची और पट्टे से पानी खींच रहे, इसे पूछेंगे एक बार। और बस मुड़गाड वगैरह सब साथ के हैं। कंडीशन सब ओके जी जी जी। देखो कितने आरपीएम पर 2500 RPM के साथ आ रहा और ये 800-900 RPM पर चल रहा है। चलो मैं चल रहा किसान भाइयों सारे मीटर। आपको बता दूँ साथ का ही पेंट है, बिल्कुल कोई कहीं चाबी लगी हुई नहीं। ये देखो मैंने भी पहली बार ही देखा है ट्रैक्टर। सारे इंडिकेटर ओके हैं, लाइट वगैरह, मिरर सब बढ़िया ओरिजिनल है और चाल नहीं है इंजन में बिल्कुल भी। हेलो देखो इसमें भी कर देते बचाव के लिए रबड़ चढ़ी, बढ़िया है।
अच्छा लोकल नंबर है इसका, खानपुर का, खानपुर का ही नंबर है जी। जैसा आप इसका एवरेज बता रहे, बढ़िया है। आईसर से कैसा है, या स्वराज 724 दो सिलेंडर ट्रैक्टर आप जैसा उससे कंपेयर करोगे, या किस एवरेज के मामले में किस ट्रैक्टर जैसा है? पहले ऐसा हमारे पास ऐसा ट्रैक्टर था। अच्छा, और उससे हम पानी पे भी लगाते थे जी, और रोड पे घास चारा लाने के लिए, गन्ने गेरने के लिए जी जी। लेकिन जो इसमें 5 लीटर तेल गेयर का हम काम कर रहे थे जी, वो हम इसकी अपेक्षा उसमें 6 लीटर तेल गेयर का करना पड़ा था। अच्छा अच्छा, इसकी अपेक्षा। और जैसा आप जाए आपने पानी पे लगा रखा जी, यानी कि इस पर पट्टा भी चल रहा है कम से कम 10 फुट का, और थोड़ा 2-3 फुट तला भी है बोरी 4 फुट। तो इस पर क्या एवरेज है लगा? इस पर ये चल रहा है, हाँ ये 800-900 रुपये पर चल रहा है, 1.5 लीटर दिन लेने का। अच्छा, इसमें पिछली बार हमें टंकी भरने के बाद जी, और ही सही पूरा पैमाना गेयर के बाद, और 5 घंटे चला था पूरा, 5 लीटर तेल भी नहीं गिरा था उसमें भी, जो बच गया था अंदर पौने लीटर बच गया था। अच्छा, यानी कि आपने पूरा वो ले रखा इसका एवरेज ले रखा आपने इसका, क्या हड़ का टीलर भी चला हुआ बड़ा किन पे हैरो नहीं चला हैरो नहीं जोड़ी बड़ा ट्रैक्टर है बड़ा ट्रैक्टर होने की वजह से हैरो का काम अपने पास नहीं बड़ा ट्रैक्टर है 9-9 की हैरो है लेकिन 9-9 की है 585 में चलती है वो इस पर आपने देखा नहीं करना 7-7 की चले वैसे इससे बढ़िया तो बागवानी भी करते हो जी आप जी बागवानी नहीं करते अपना घास पानी ढोना और गन्ना ढोना थोड़ा स्प्रे यानी कि टैंकर है तो आप जी अपना टैंकर ले रखा जी जी जिस फसल में भी हमें जरूरत पड़े अपना स्प्रे इससे ही करते हैं और एवरेज और लिफ्ट इतनी अच्छी है वो 500 लीटर का टैंक है जी। अच्छा, वो लिफ्ट वाला है और उसे बैक साइड में ऊपर उठा के जी चलो कोई दिक्कत नहीं बढ़िया काम करेगा। अगर सबसे बढ़िया बात है वजन इसमें सही है जैसे मैसी 45 में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा आगे से भारी है उठता नहीं आप इसमें पिछले बढ़िया इम्प्लीमेंट जोड़ लो उठेगा नहीं आगे से बढ़िया सही ट्रैक्टर मानू मैं से छोटो में छोटा बड़ो में बड़ा तेल का खर्चा इसका है जिक्र इंजन और हाई स्पीड में है जी बहुत अच्छी स्पीड है रोड पर भी अच्छी स्पीड खेत में भी टीलर में इसकी रफ्तार ऐसी है जी जैसे महिंद्रा 585 चल रहा हो। हाँ हाँ ठीक है यार इंजन के हिसाब से लोड अगर कम दोगे तो उससे बराबर चलेगा सही है। हाँ ये तो बात है। अच्छा जैसे नोहड़ो का टीलर है क्या एवरेज आपने अगर देखा हो आपने टीलर पर तो जी थोड़ा बहुत ही काम करा हमने टीलर पर ज़्यादा नहीं करा हाँ मेरा मेरा हिसाब से 2 लीटर या 2.5 लीटर का एवरेज है किसान भाइयों आपको बता दूँ इसके ट्रैक्टर की मार्केट हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी है खासकर छाणपुर में किसी के पास अगर 98 मॉडल हो 95 हो या उससे पहला हो किसी किसान के पास रहता नहीं तुरंत बिक जा कमाऊ ट्रैक्टर है टिकाऊ ट्रैक्टर है और छोटा ट्रैक्टर होने की वजह से बड़े काम कर ले और तेल का खर्चा इसका छोटे ट्रैक्टर जैसे ही आवे जैसे मैं मिनी ट्रैक्टर आ रहे लेकिन वो काम इसके जितना कर नहीं पाते तेल का खर्चा इसका ये बता रहे धरती पर अभी तक कोई ट्रैक्टर नहीं है हिमालिस की जोड़ का जो तेल का खर्चा इससे बढ़िया देगा तो यानी कि आप संतुष्ट हैं ट्रैक्टर से पूरा और कोई बात इसकी जो आपको अच्छी लगी हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी ट्रैक्टर यो चेरी में लगा रखा पानी इस पर चल रहा। किसान भाइयों जैसा संजय कुमार जी ने बताया इस ट्रैक्टर के बारे में कैसी इसकी मांगा है कब इन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए इनसे मांगे थे और इन्होंने एक भी रुपानी सुनवाया था 2.5 लाख का दुखा दुख खरीद के ले आए थे। खानपुर का लोकल नंबर है एवरेज इतना बढ़िया है ट्रैक्टर का लेकिन 2006 मॉडल और मैंने पहली बार देखा मैंने जिसके भी देखे ट्रैक्टर एक सुना था 2005 के बारे में लेकिन छः का कभी नाम नहीं सुना बिल्कुल आज भी देखेंगे कंडीशन A1 है नई पड़ी नए टायर सारे मीटर चालू और पूरी जो कि तू है लिफ्टिंग वगैरह सब ओके लाइट वगैरह इंडिकेटर सब कुछ छतरी भी है यानी कि अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ ऐसा ही है बिल्कुल जैसे एजेंसी में से आया हो 1.5 लाख के मैंने देखे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर बढ़िया है लेकिन जो इतना बात है रसात का पेंट है नया है सब कुछ है और इन्होंने जो खासियत बताई संजय कुमार जी ने वो बहुत
हर किसान को सुनने लायक है, जैसा इन्होंने बताया ट्रैक्टर के बारे में। किसान भाइयों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जैसा संजय जी ने बताया ट्रैक्टर के बारे में, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। आइए अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ठीक किसी किसान भाई के साथ। तब तक आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम और संजय जी आपको मेरा राम राम। दोस्तों अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। राम राम।